वक्त हम बनारस के उन छोटी छोटी गलियों में श्री नारायण मिष्ठान भंडार पे, और यहाँ पर आज आपको दिखाने वाले हैं मिठाइयों में एक से एक वैरायटी। तो आइए चलते हैं सर के पास। तो हर हर महादेव जी। महादेव हर हर। ओके, तो क्या क्या है सर अपने पास? बहुत सारी वैरायटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पर मिठाइयों की वैरायटीज है, और यहाँ पर सबसे जो फेमस है बनारस की वो भी मिठाइयाँ हैं अपने पास। तो आइए आपको एक एक करके सारी मिठाइयों से रूबरू करवाते हैं, और ये वीडियो आपके लिए सस्पेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो मिठाइयाँ मिलती है ना, वो मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में कहीं मिलती होगी। सर बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सभी जगहों का टेस्ट अलग अलग। अच्छा, टेस्ट भी अलग होता है, और कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती है जो बनारस के अलावा कहीं नहीं मिलती है। तो आइए देखते हैं आपको, तो आइए दिखाते हैं आपको एक एक करके जो मिठाइयाँ हैं स्पेशली। यहाँ पर देख सकते हो भाई, पैकिंग की भी सुविधा काफी ज्यादा अच्छी है। पैकिंग की सुविधा सर इतनी अच्छी क्यों देते हो आप? लोग मानते हैं उसी तरह। ओके, बनारस में मतलब इसकी ज्यादा डिमांड रहती है पैकिंग की। नॉर्मल जगह हम देखते हैं नॉर्मली एकदम डब्बे में भर के पन्नी में दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप एकदम सजा उजा के दे रहे हो। जी, ये क्या आगे भैया? सबसे पहले ये बनारस का रसगुल्ला। ये बनारस का रसगुल्ला है जी। औरों के रसगुल्ले से अलग है क्या ये? जी जी, ये गाय के छेने का बनता है। ओके, गाय के छेने का बनता है। तो नेक्स्ट आइटम क्या आएगा सर? ये राजभोग है। ये राजभोग है जी। तो इसकी एक क्या प्राइस रहने वाला है इसका? 25 रुपीस पर पीस। और अगर कोई किलो में चाहता है तो? ये 20 से ही बिकता है। 20 से बिकता है, ऐसे 320 रुपए केजी। 320 रुपए केजी, यहाँ पीस की ज्यादा डिमांड है जी। और नेक्स्ट आइटम क्या आएगा इसके बाद? नेक्स्ट आइटम ये रसमलाई है। रसमलाई, ये कैसे रुपए पीस है? 25 रुपीस पीस। ओके, और मुरब्बा दिख रहा है उधर साइड में। जी हाँ, रसभरी पेठा बोलते हैं इसको। ओके, ये 280 रुपीस पर केजी पीस आ रहा है सर। ये परवल है। परवल है, परवल का मुरब्बा लग रहा है। जी जी, जिसकी सब्जी बनती है उसी की मिठाई है ये, यहीं पे बनती है। ओके, ये कैसे रुपए पीस है? ये 25 रुपीस। ओके, नेक्स्ट आइटम क्या आएगा? नेक्स्ट आइटम आएगा ये आपका, ये सिर्फ कदम है। ओके, ये कैसे रुपए पीस है? 20 रुपीस पर पीस है। और ये नेक्स्ट आइटम ये दिख रहा है, शायद ये चमचम लग रहा है। नहीं, ये मलाई चौप है। ओके, 25 रुपीस पीस। और ये क्या चीज है? वो छेना टोस्ट है। आप बता देना, ये छेना टोस्ट है। ओके, और नेक्स्ट वाला क्या है? वो ये पेठा रोल है। पेठा रोल है जी। और ये शायद वो दिख रही है, ये बर्फी है, काजू कतली। नहीं, राधापुरी इसको बोलते हैं। ओके, ये तिरंगी बर्फी इसको बोलते हैं। तिरंगी बर्फी। और ये वाला आइटम? ये मधुमती है। उसके बगल में मलाई रोल, छेना मलाई रोल है। और ये वाला? ये अंगूर की है। अंगूर की है ये जी। ये मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कहीं और मिलती होगी। नहीं, ये अंगूर से बनती है क्या स्पेशल? जी जी, वो ये संतरे की है। ये संतरे की बर्फी है। और ये नेक्स्ट, इसके ऊपर ही संतरे की बर्फी यहाँ पर रखी हुई है। और ये वाला? ये गांधी गोरु बोलते हैं। गांधी गोरु जी जी। और ये वाला? ये बर्फी है। ये बर्फी मिनी बादाम बोलते हैं इसको। ओके, और ये नेक्स्ट साइड खोए की बर्फी है। नारियल खोए की बर्फी है। नारियल खोए की। और ये वाली केसर पिस्ता। तो मतलब एक से एक वैरायटी होने वाली है अंकल यहाँ पे। जी जी, 40-45 तरह की, 40-45 तरीके की मिठाइयाँ हैं। और बहुत से आइटम सीजन पे बनती है और फिर सीजन के बाद बंद हो जाती है। ओके, मतलब यहाँ पर 40-45 जो अपने पास आइटम है वो भी कम है अभी। जी जी, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग वो चलता और बंद होता रहता है। जी जी, लड्डू है ये, गोंद में वाला लड्डू है। ये घी से बनता है। ओके, इसमें ड्राई फ्रूट रहता है। ये शायद सर्दियों में खाई जाती है ज्यादा। जी, सर्दियों में ज्यादा खाई जाते हैं, ऐसे हमेशा लोग लेते हैं, लोग हमेशा लेके जाते हैं प्रसाद के तौर पे भी। जी जी जी, ये खराब नहीं होता 20 दिन। और ये वाला कौन सा है? येलो वाला? ये चंद्रकला पेड़ा बोलते हैं इसको। ये कहाँ का फेमस है? ये बनारस का है, ये भोग प्रसाद में ले जाते हैं लोग। ओके, भोग प्रसाद के लिए ले जाते हैं जी। सर क्या क्या अपने पास? ये देखे, ये भुना हुआ लाल पेड़ा बोलते हैं। ओके, ये तिरंगी बर्फी है, ये बनारस का स्पेशल आइटम है। ओके, ये दोनों आइटम 10-15 दिन नहीं खराब होते हैं। 10-15 दिन चल सकता है ये? जी जी। और इसके अलावा ये कहीं और मिलता है क्या? नहीं नहीं, ये तिरंगी बर्फी जो है इसलिए बना है कि वो अपना जो फ्लैग है। ओके, वो थीम 3 कलर का, उसी की वो मतलब इंडिया के झंडे को एकदम मतलब रंग में बना दिया है। जी, ये यहीं पे स्पेशली मिलता है। स्पेशली मिलता है, तो इसके अलावा पृथ्वी पे और कहीं नहीं मिलता? नहीं नहीं, ये यहीं पे लोग, ये बाहर बहुत जाता है, बाहर जाता है ऑर्डर पे पार्सल के लिए। जी जी जी। अगर आपकी मिठाइयाँ अगर किसी को लेना होगा तो वो कैसे आएगा? आप चौक थाना के सामने अंदर गली आती है, ठठेरी बाजार। ओके,
ठठेरी बाजार में मेरी शॉप है श्री नारायण मिष्ठान भंडार, श्री नारायण मिष्ठान भंडार के नाम से, 18/13 ठठेरी बाजार। ओके तो भाइयों यहाँ पर आइयो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम तरीके के यहाँ पर मिठाइयाँ हैं।